டாடா பிர்லா. अरे हमने आज यहाँ पे एक जो थोड़ा थोड़ी सी रिहर्सल देखी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही सेक्सी अंदाज में अंदाज था आपका, तो ये आज का कैसा था एक्सपीरियंस पर जानना चाहेंगे? एक्सपीरियंस अच्छा था. पहली बार हमने मीडिया को एक रिहर्सल में बुलाया है. ये रतिका है, इन्होंने प्रमोशनल वीडियो की कोरियोग्राफी की है. खुद बहुत अच्छी डांसर हैं, इतना बड़ा स्टूडियो चलाती हैं खुद अकेले. तो वी वर डूइंग प्रमोशनल वीडियो फॉर कल्चर मशीन, जो एक डिजिटल कंपनी है. और कैबरे में एक गाना पूजा भट्ट ने इनको दिया, बजाय नॉर्मल तरीके से रिलीज़ करने के. इनका एक चैनल है बीइंग इंडियन म्यूज़िक, जिसमें मॉडर्न इंडियन आदमी औरत की सेंसिबिलिटी से मैच करता हुआ म्यूज़िक आपको मिलेगा. तो इसलिए ये गाना है, इसकी लिरिक्स हिंदी में है, पर फील बहुत ब्लूज वाली है. आपने सुना, आप अच्छा लगा आपको? बहुत ही, मतलब सुनने को कि नेक्स्ट क्या होगा, बट थोड़ा सा ही हमें सुनाया. फिर आप देखेंगे नहीं ना. इसलिए हमने इसलिए यहाँ पे बुलाया, लोगों को थोड़ा फील दिया इसका. इंटरेस्टिंग तरीका है म्यूज़िक को प्रमोट करने का ऑन द इंटरनेट, क्योंकि डिजिटल इज़ अ बिग थिंग टू. चलिए आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको बताया गया कि ये गाना आपको ये पहलू इनका अभी तक दर्शकों ने देखा नहीं, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम था. जनरली जिस किस्म की ये फिल्में करती हैं, उसमें जो किरदार ही निभाती हैं वो हमेशा कुछ कह रहे होते हैं. ये कमर्शियल है, और इनका ये पहलू जो कि आप कह रहे थे सेक्सी, सेक्सुअल, सेंसुअल, वो उभर के आया, और बहुत क्लासी तरीके से, क्योंकि जो गाना है बहुत खूबसूरत है, उसका फील 1940s विंटेज उस किस्म का है. तो इनका जो लुक भी है वो भी बहुत नया है. वो लुक इन्होंने अभी तक कहीं भी, आई थिंक किसी फिल्म में भी या अदरवाइज भी वो लुक कहीं यूज़ नहीं किया है, और आई थिंक चांसेस भी कम है ऐसा लुक यूज़ होने के. तो बस बहुत बहुत मेरे ख्याल से एक शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो बहुत हसीन वीडियो होगा ये इनके लिए, इनका फर्स्ट होगा. और कल हम लोग का शूट है, तो बहुत एक्साइटेड हैं. सारी रिहर्सल पूरी हो गई आपने? करीब करीब परिपूर्ण बना दिया है, परिपूर्ण ये पहले से है. पर एक्चुअली रतिका मेरी बॉम्बे में पहली दोस्त हैं, और ये इस बात से वाकिफ थी कि मैं थोड़ी सी डांस में ट्रेनिंग मैंने पहले ली थी, पर मेरा टच छूट गया बिकॉज ऑफ कैबरे, एंड आई गॉट बैक इन टच विद इट. तो पर बिकॉज ये बात ये जानती है और खुद कंटेम्प्रेरी बैले स्ट्रीट जैज में ट्रेंड है, इसलिए मैं इनके पास आई इस गाने के लिए. आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैबरे जो इस फिल्म में आपका एक अलग ही जो अवतार नज़र आ रहा है, तो आप मानती हैं कि इस फिल्म के बाद आपका बोल्ड एक अलग ही अंदाज, आपके अलग ही एक वो टाइटल निकल कर सामने आएगा कि बोल्ड रिचा, हॉट रिचा, सेक्सी रिचा? वो तो क्या है ना, क्योंकि हमने पानी पानी में भी देखा डिफरेंट अंदाज में, यहाँ पे भी हम देखा कि कुछ अदाओं से आप हायर कर रही हैं. आपको मैं बताती हूँ क्या होता है, हम ये इंडस्ट्री ऐसी है, पहले से ऐसी है. आई थिंक 60s में जो पुलिस वाला बनता था वो पुलिस वाला ही बनता था, जो डॉक्टर का रोल करता था वो डॉक्टर का रोल ही करता था. तो मैंने ज्ञानजो वासीपुर की, उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत भोजपुरी टाइप के रोल्स ही दिए,
या फिर मैंने फुकरे की तो उसके बाद मुझे सिर्फ गुंडी वाले रोल्स मिले. तो अभी आई थिंक ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट है अगर एक टैग एक एक्टर के साथ लगता है. पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बार बार टैग को तोड़ूँ. जैसे सरबजीत आएगी उसके एक हफ्ते बाद कैबरे आएगी, तो मैं चाहती नहीं कि कोई भी एक स्लॉट मुझ पर चिपके. जी कैबरे की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक आप आइए कैबरे की अगर हम बात करें जहाँ तक मैंने देखा कि इसमें एक पानी पानी का जो देखा और ये तो पूरी कुछ आपके किरदार के बारे में अगर जानना चाहेंगे किस तरह का. आपने अगर टीजर देखा होगा कैबरे का तो उसमें लास्ट में एक गन शॉट आता है. एक्चुअली कहानी वहीं से शुरू होती है. एक लड़की है, शी इज़ ऑन द रन और अपना लुक बार बार भेस बदल बदल के किस चीज़ से भाग रही है वो कहानी है. एक ऑपरेशन से लड़ती हुई लड़की की कहानी है. जी तो जितने भी गाने देखेंगे जो सारे डांस के ऊपर बेस्ड है फिल्म जी, दो स्लो गाने हैं और बाकी सारे डांस वाले सॉन्ग हैं. वो धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते रिलीज होते जाएंगे. आप चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये आई होप कि ये गाना बहुत हिट होने वाला है क्योंकि मुझे जितना भी मैंने सुना गाना बहुत खूबसूरत है. जब कोई भी गाना हिट होगा होता है तो क्या कुछ फील करती हैं आप? मैं ये गाना लगी होती है आप लोगों के ये गाना हिट होगा तो अलग किस्म की खुशी है. जैसे कि मैंने बोला हम बहुत पुराने दोस्त हैं और ये जो इनका पार्ट है इसी वजह से प्रोजेक्ट हम साथ में कर रहे हैं कि इस रूप में मैं चाहती हूँ दर्शक इन्हें देखें, सराहें, एक्सेप्ट करें. और मैं बताना चाहूँगी कि रतिका को मैंने बहुत मिन्नतें करके पटाया क्योंकि ये बॉलीवुड का कुछ काम नहीं करती, अपना अपने शोज़ करती हैं और उनकी एक क्लास होती है, एक लेवल होता है, तो कुछ भी ज़्यादा फिल्मी या उस तरह का करती नहीं. तो मुझे इनको बहुत मनाना पड़ा कि प्लीज़ हमें इस गाने के लिए वक्त दे दें. और हमें उन्होंने अपना स्टूडियो भी दिया उस दौरान जब ये खुद रिहर्सल या कुछ ना कर रही होती. तो इसके लिए आई वांट टू से थैंक यू टू योर कैप. चलिए आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम से बॉलीवुड के और सारे अच्छे अच्छे गाने देंगी क्योंकि ऋचा जी ने आपको मनाया है जी, और आप जी. अच्छे अच्छे काम करेंगी. इनकी मैं इनसे बात करूँगा उससे पहले आपसे हो जाए इनका सरबजीत का भी ट्रेलर आया है आपसे जानना चाहिए कि आपने देखा जो इनका जो अंदाज है वो उस अंदाज के बारे में हम पहले तो आपसे जानेंगे. ये बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत गिफ्टेड है, वर्सेटाइल है, बहुत इंटेलिजेंट है. और आई थिंक ये एक मैगजीन के कवर पे भी आई है जिसमें कि इनको गेम चेंजर बताया गया है. तो आई थिंक हमारे यंग ऑडियंस को, खासकर जो छोटे शहरों में रहते हैं लड़के लड़कियाँ, उनको ऐसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है. नहीं तो अभी भी कई एक्ट्रेसेस अभी उसी मोल्ड में हैं, हमें सुंदर दिखना है और हमें यू नो बड़े हीरोज़ के साथ काम करना है. ये सब क्या बोलेंगे बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं. तो ये वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रही हैं. मेरे लिए बहुत बहुत मैं इस बात को बहुत सराहना चाहूँगी कि ये ऑलराउंडर है इन एक्ट्रेस, जैसे कि वेस्ट में होता है. चलिए ऋचा जी, मैंने रतिका को यहाँ आने से पहले बहुत सारे पैसे दिए. ऑलराउंडर हैं हम, आई होप कि हम एक दिन सुनेंगे कि ऋचा जी हो मल्टी टैलेंटेड हैं. तो कैसे कैसे सब कुछ कर लेती हैं आप? हमने देखा कि सरबजीत में एक डिफरेंट अंदाज देन यहाँ पर एक डिफरेंट अंदाज में आपको दिखाई. ये मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगी, ये मेरा काम है और मुझे लगता है कि सबको सब कुछ आना चाहिए. खासकर जो कैमरा फेस करते हैं उनको राइटिंग का थोड़ा पता होना चाहिए, रिदम का सेंस होना चाहिए, थोड़ा डांस, थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा लिटरेचर. जब ये सब आपको पता होता है या खासकर जब आप रंगमंच से आते हैं, आपकी ट्रेनिंग उस तरह की होती है, तो आप ऑडियंस को ये सब दे सकते हैं. वरना खुद भी बोर हो जाते हैं लोग भी. मुझे मज़ा आ रहा है अपनी इस साइड को एक्सप्लोर करने में दोबारा, जो बिल्कुल मुझसे पिछले 6-8 साल छूट गई थी. हमने साथ में काफ़ी डांस किया है, इन्होंने मुझे जाबुक मार मार के करवाया भी है पहले, पर अब दोबारा आई मीन लाइक आई एम बैक इन टच विद इट. सो वेरी हैप्पी कि एक ये एक डिजिटल कंपनी को भी इसमें रुचि दिखी, कुछ पोटेंशियल दिखा, तो पूरी एक अच्छी सी टीम का एक करेक्ट फिट हो गया. क्योंकि कैमरे और सरबजीत में एक ही हफ्ते का. हाँ मैं आपको बता तो रही थी, लोग मुझे कुछ उसमें नहीं पहचान रहे, कुछ इसमें नहीं पहचान रहे. आई होप कि कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि दोनों फिल्म डिफरेंट हैं. तो कितने एक्साइटमेंट फील है क्योंकि एक हफ्ते नेक्स्ट एक हफ्ते सरबजीत और नेक्स्ट जो दीप होना. देखिए कन्फ्यूजन जहाँ तक वो है वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, किसी के दिमाग में घुस के तो नहीं उनको बता सकती कि ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ दोनों फिल्में देखो. बस मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों फिल्में देखें, उनको समझे, उन्हें पसंद करें. नहीं मैं बात कर रहा था कि बैक टू बैक अलग अलग हफ्ते में आपकी दोनों फिल्में आ रही हैं, तो वो क्या फीलिंग है? हम चाहेंगे कि हर हफ्ते आपकी ऐसी फिल्म आए. वो और मैं पागल हो जाऊँ बिल्कुल. नहीं ओवर एक्सपोजर भी एक रिस्क है.
मुझे नींदें नहीं आ रही आजकल पूरे मई के महीने के बारे में सोच के, इसलिए हम ये वीडियो भी अप्रैल के अंदर ही ख़त्म करके इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि महीना काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा प्रमोशंस, और उसके बीच मेरी दूसरी फिल्म भी शुरू हो रही है 5 या 6 तारीख को। तो नाम अगर आप बताना चाहें उस फिल्म का नाम है लव सोनिया। चलिए जाते आते आप दोनों से, आप करीब आइए, आप इतना दूर बार बिल्कुल बार बिल्कुल नहीं सर, जाते आते आप दोनों से इस गाने को लेके जो यहाँ पे आज शूट किया, व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहिए? को बस ये कहना चाहेंगे बेहोश मत होइएगा, इनकी अदाएं देखिए काफ़ी। बस गाना देखिए और इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।